कर बैठा बदन से कपड़े तक जिंदगी से बोले बस ये मेरे भाई मारो मुझे मारो सूरज मारो मुझे मारो 2000 years later. तो है गाइस, आज की वीडियो पर हम लोग बात करने वाले फ्री फायर आईडी अनबैन कर में। अगर गाइस आपका आईडी कोई भी हैकर के साथ खेलते हो और आईडी अगर आपका बैन कर देता है, अगर रिपोर्ट उसमें ज्यादा आता है तो आपका आईडी तो बैन हो जाएगा। तो ऐसे में अगर होता है या फिर आप अगर कोई छोटी मोटी हैक वगैरह कुछ यूज करे हो उसके लिए शायद आपका आईडी पर रिपोर्ट पढ़ के रिपोर्ट अगर ज्यादा आ जाता है तो आपका आईडी बैन हो जाता है। ऐसे में अगर आपका आईडी बैन हुआ है या फिर बिना किसी रीजन में आपका आईडी जो है वो बैन हो गया है, तो गाइस इस वीडियो पर मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं, जो सॉल्यूशन आप लोगों को अभी 38 अपडेट के बाद देखने के लिए गेम पर मिल जाएगा। और गाइस सबके आईडी को अनबैन करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ पैसे भी पे नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। तो गाइस मैं आपके आईडी का पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। आपका आईडी अगर सस्पेंड या फिर बैन हो गया है तो मैं आपका आईडी को अनबैन करा के दूंगा। तो गाइस देखो, मैं आप लोगों को कोई भी फेक तरीका नहीं बताने वाला हूं। कुछ बंदे ऐसे हैं जो क्या कर रहा है, आईडी अनबैन के बारे में स्कैम कर रहा है, बोलता है हम आपको एक पेड फॉर्म देंगे, उसको आपको भरना पड़ेगा और उसके साथ सब लोगों को कुछ पैसे वगैरह भी पे करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका आईडी अनबैन होगा। तो गाइस देखो, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, आप लोगों को कुछ भी पैसे वगैरह पे नहीं करना पड़ेगा। इन्होंने ऑफिशियली ऐसा कुछ भी बोला नहीं है और आईडी अनबैन तो फ्री होता है। तो देखो गाइस बेसिकली चार तरीका है और चार में से मैं आप लोगों को एक बात अभी बताने जा रहा हूं जो मैं इस वीडियो पर आप लोगों को बताऊंगा। और आप लोग अगर इस वीडियो से हेल्पफुल नहीं होता है, आपका आईडी अगर इस वाले टॉपिक से अनबैन नहीं होता है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसका सेकंड पार्ट भी आप लोगों को लिए ला दूंगा। और गाइस देखो बेसिकली तो तीन से चार ऐसा तरीका है जिसके मदद से आप लोग आपका आईडी अनबैन करा सकते हो। और ये सब कुछ जो है फ्री में मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा, आप लोगों को कोई भी पेमेंट वगैरह नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी पैसे आप लोगों का नहीं जाएगा। और अगर आप लोगों को कोई भी बंदा ऐसे बताता है कि पैसे वगैरह देने के बाद मैं करूंगा, तो देखो उसके चक्कर में आप लोग मत जाना। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि सबसे पहले आप लोगों को क्या कुछ करना पड़ेगा। तो गाइस देखो, मैं एक बात आप लोगों को बताना भूल गई थी, वही बंदे का आईडी अनबैन होगा जिसने कोई भी हैक वगैरह यूज नहीं किया है, और अगर किया भी है कोई छोटी मोटी फ्री वाली कोई फाइल वगैरह तो देखो उसका हो जाएगा, लेकिन जो सबसे बड़ा कुछ किया है ऐसा तो उसका तो नहीं होगा। ठीक है, तो देखो गाइस अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों को यहां पे क्या कुछ करना पड़ेगा आईडी को अनबैन करने के लिए। तो देखो गाइस सबसे पहले आप लोगों को तो यहां पे गूगल का सर्च ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, तो आपका भी फोन पे है, तो आप लोग इस पे चले जाना गूगल के सर्च वाले ऑप्शन पर। और गाइस इसमें जाने के बाद आप लोग को यहां पे सर्च करना पड़ेगा एपिक डॉट सपोर्ट, तो आप लोग को यहां पे मैं सर्च करके दिखा देता हूं। तो एपिक डॉट सपोर्ट आप लोग जैसे ही सर्च करोगे उसके बाद आप लोग को यहां पे सबसे ऊपर में एक पेज देखने के लिए मिल जाएगा, गेन फ्री फायर लिखा है। तो ये जो तरीका मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये ऑफिशियली तरीका है, और जो यहां पे देख रहे हो ना सब कुछ जो मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा ये सब कुछ ऑफिशियल तरीका से ही होगा, तो आप लोगों को यहां से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहां पे क्या कुछ करना पड़ेगा बता देता हूं। जैसे कि आप लोग यहां से देख सकते हो गूगल फेसबुक सब कुछ ऑप्शन है, आप लोगों का जो भी आईडी था वो आईडी जिससे भी आप लोग लॉगिन किए थे, जो आईडी आपका बैन अभी हो गया है वो आईडी को आप लोग यहां से जहां से भी लॉगिन किए थे उसको आप लोग को यहां से सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग का अगर गूगल आईडी है, जो आईडी आपका बैन हो गया है वो अगर गूगल आईडी था तो आप लोग यहां से गूगल से सिलेक्ट कर लेना, और अगर आप लोग का फेसबुक आईडी है तो आप लोग यहां से फेसबुक से सिलेक्ट कर लेना। तो गाइस मेरा तो कोई भी आईडी बैन नहीं है, लेकिन मैं यहां से आप लोगों को दूसरा एक मेरा आईडी है उसको मैं यहां से लॉगिन करके अच्छे से आप लोगों को दिखा देता हूं। तो मैं यहां से जो गूगल से लॉगिन कर लेता हूं, तो आप लोगों का जो भी आईडी है फेसबुक या फिर गूगल तो आप लोगों को वहां से लॉगिन कर लेना पड़ेगा। तो यहां पे आप लोग का आईडी वगैरह दिखाएगा, जो भी आईडी आप लोग का है तो आप लोग यहां से सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं यहां पे मेरा एक आईडी है सिलेक्ट कर लेता हूं, तो ये मेरा सेकंड एक आईडी है, मैं इसका पहले भी आप लोगों को दिखा चुका हूं एक बार, मेरा वीडियो पर आप लोगों को शायद देखने के लिए मिल भी चुका है। तो गाइस इसके बाद आप लोगों को यहां पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, और ऊपर में आप लोग देख सकते हो मेरा आईडी जो है उस पे जो नाम है वो यहां पे ऊपर शो कर रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पे आप लोगों को तीन ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तीनों में से आप लोगों को सबसे बीच वाला में क्लिक करना है, सबमिट ए रिक्वेस्ट जो लिखा है उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। आप लोग ध्यान से समझना, सबमिट ए रिक्वेस्ट पर आप लोगों को क्लिक करना है। बहुत सारे भाई ऐसा है जो यहाँ पे गलती कर देता है कि सबसे पहले वाला में हाथ लग जाता है और वो जो है ओपन हो जाता है, लेकिन वहाँ से आप लोगों का जो आईडी अनबैन नहीं होगा। आप लोग यहाँ पे सबमिट ए रिक्वेस्ट पर क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है, एंड यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, इसके अंदर जो है आप लोग को यहाँ पे कुछ देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग इंडिया फ्री फायर मैक्स दे देना, अभी तो फ्री फायर मैक्स है इसके लिए फ्री फायर यहाँ पे मैक्स दे देना। तो गाइस इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जो सब्जेक्ट वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे आप लोगों को लिखना है फ्री फायर आईडी अनबैन। तो मैं इसको पहले से कॉपी करके रखा था, आप लोगों को ये सब जो मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल रहा हूँ ये सब आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, और आप लोग यहाँ से देख के भी आप लोग यहाँ से लिख सकते हो फ्री फायर आईडी अनबैन, ये इतना कुछ बड़ा नहीं है, आप लोग यहाँ से भी देख के लिख सकते हो। और गाइस इसके बाद आप लोग यहाँ से देखोगे आपका यहाँ पे बहुत सारा आर्टिकल्स वगैरह आ जाएगा, तो इसमें आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, बस आप लोगों को यहाँ पे जो है स्क्रॉल करके चले जाने का है। एंड गाइस इसके अंदर जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है फ्री फायर अकाउंट आप लोगों का, यहाँ से मतलब सब कुछ यहाँ पे आप लोगों का पहले से आ जाएगा, और यहाँ पे आप लोगों का जो आईडी का निकनेम है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। एंड गाइस उसके बाद आता है टाइप ए रिक्वेस्ट,
तो ये टाइप के रिक्वेस्ट पर आप लोग को जो है यहाँ पे बहुत कुछ ऑप्शन दिया हुआ जा रहा है, लेकिन आप लोग यहाँ पे जो ऑप्शन पहले से ही है इस ऑप्शन को ही रहने देना क्योंकि बैन वाला ऑप्शन है, तो इसको ही आप लोग यहाँ पे रहने देना। एंड गाइस इसके बाद आता है सबसे मेन वाला टॉपिक जो है डिस्क्रिप्शन। हाँ गाइस जैसे कि आप लोग यूट्यूब पर वीडियो जो डालते हो उसमें भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन वगैरह देना पड़ता है, और गाइस फेसबुक पर भी आप लोग का पेज होगा तो उसमें भी आप लोग जो भी वीडियो वगैरह डालते हो उसमें भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन वगैरह भरना पड़ता है। तो गाइस इसी तरफ से आप लोग को यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन भरना पड़ेगा। तो गाइस डिस्क्रिप्शन पर आप लोग को क्या लिखोगे, आप लोग शायद सोचोगे कि यार डिस्क्रिप्शन पर क्या लिखेंगे कि मेरा आईडी हैक हो गया था, किस तरह से हैक हो गया, ऐसे हम लोग इंग्लिश पर कैसे लिखे। तो गाइस देखो इसके लिए आप लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मेरा डिस्क्रिप्शन पर आप लोग कॉपी करके यहाँ पे लगा देना, मैं डिस्क्रिप्शन पर सब कुछ लिंक दे दूंगा इसके अंदर जो आप लोगों को क्या कुछ लिखना पड़ेगा। मैं कॉपी वाला एक ऑप्शन दे दूंगा, उसके अंदर जो भी आप लोगों को लिखा हुआ रहेगा वो सब कुछ आप लोग यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देना, आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपल तरीका है। और आप लोगों को अगर कॉपी पेस्ट करना नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके आप लोग बोलना, मैं आप लोगों को प्रॉपरली तरीके से बता दूंगा कि आप लोग यहाँ पे कॉपी कैसे पेस्ट करके डालोगे। तो गाइस देखो यहाँ पे मेरे को जो भी लिखने का है मैं सब कुछ कॉपी करके लेके आ चुका हूँ, और आपको भी ऐसे कॉपी करके लेके आ जाने का है। और आप लोग अगर स्क्रीनशॉट वाला कॉपी नहीं कर सकते तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, एक बात मैं बार बार आप लोग को बता रहा हूँ इसके लिए कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, ऐसा ही मैं चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो आप लोग को डिस्क्रिप्शन यहाँ पे भर देना पड़ेगा जैसे कि यहाँ पे मैं लिख के भर दिया हूँ। और इसके बाद आता है आप लोग को यहाँ पे एक बॉक्स देखने के लिए मिलता है छोटा वाला, तो इसको आप लोग को यहाँ पे राइट कर देने का है, मैं यहाँ पे राइट कर। और गाइस इसके बाद आता है सबसे लास्ट वाला जो अटैचमेंट वाला फाइल है, इसमें आप लोग को क्या करना पड़ेगा बता देता हूँ। आपका जब गेम अकाउंट जब बैन कर दिया गया था उस टाइम आप लोग जो स्क्रीनशॉट लिए थे उस स्क्रीनशॉट को आप लोग को यहाँ पे डालने का है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लिए थे और उस स्क्रीनशॉट आपके फोन पर अभी है नहीं, आप लोग डिलीट भी कर दिया हो, तो गाइस ये बात भी मुझे कमेंट करके बताना। मैं आप लोगों को एक आसान तरीका बताने आप लोग जो आप लोग पहले से जब फोन जब आप लोग पहले खरीदे थे उस टाइम आप लोग का जब जब से आप लोग मतलब कैमरा पर जो भी वीडियो वगैरह जो भी फोटो वगैरह लेते थे वो सब कुछ अगर आप लोग का अभी तक नहीं है डिलीट हो चुके तो वो सब कुछ मैं आप लोग का वापस ला सकता हूँ। इसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग अगर ऊपर स्क्रीनशॉट डिलीट कर दिया है तो आप लोग कोई भी टेंशन मत लेना, मुझे बस आप लोग कमेंट करके बोलना, मैं आप लोगों को एक आसान तरीका बताने वाला हूँ जिस ऐप्स के मदद से आप लोग को जितना भी फोन पर आप लोग डिलीट कर दिया हो वो सब कुछ आप लोग को फिर से रिटर्न में देने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस अगर आपके पास है तो कोई भी अच्छा है, आप लोग को तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ऐड फाइल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप लोग को तीन ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप लोग फाइल वाला ऑप्शन पर चले जाना, फाइल वाला ऑप्शन पर जाने के बाद आप लोग यहाँ पे एल्बम वाले ऑप्शन ऊपर में देखने के लिए मिलता है, इसमें हम लोग सिंपली से चले जाना। और इस पे जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे जो कैमरा वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलता है या फिर स्क्रीनशॉट वाला तो आप लोग उस पे चले जाना। यहाँ पे जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस आप लोग का जो स्क्रीनशॉट वगैरह लिए थे आप लोग वहाँ से इसको सिलेक्ट करना। तो देखो मेरा कोई भी आइडिया से बैंड अभी तक हुआ नहीं है, तो ऐसे में मेरा वाला एक फोटो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरा यहाँ से एक फोटो सिलेक्ट कर लिया, अभी नीचे देखो आप लोग एक ब्लू कलर की आप लोग को लाइन जा रहा है देखने के लिए मिलता है, तो आप लोग को ये लाइन पूरा जाने के लिए देना पड़ेगा। आप लोग ये बहुत बड़ी गलती कर देते हो कि ये लाइन जाता है और उस टाइम आप लोग यहाँ पे नीचे सबमिट वाला ऑप्शन सबमिट कर देते हो, तो वैसे आप लोग को ऐसा नहीं करना है, पहले इसको पूरा जाने के लिए देना पड़ेगा। और इसके बाद देखो अभी ये हो चुका है, लाइन यहाँ से हट गया है, मतलब ये जो है कंफर्म हो चुका है। अभी आप लोग को यहाँ पे सबमिट वाला नीचे जो ऑप्शन देने के लिए मिलता है इस पर आप लोग को सबमिट से क्लिक कर देना का है, जैसे कि आप लोग यहाँ से मैं भी क्लिक कर दिया आप लोग भी क्लिक कर देना, और ऊपर पे दिख रहे हो योर रिक्वेस्ट वाज सक्सेसफुल सबमिटेड दिखा हुआ जाया गया, मतलब आपका जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट यहाँ पे हो चुका है। अभी आप लोगों का कोई भी टेंशन नहीं है, आप लोग आसानी से गेम खेल सकते हो, आप लोगों का आईडी जो है अनबैन कर दिया जाएगा, गेम आप लोगों को ऑफिशियली आईडी अनबैन कर देगा, आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वैसे अभी तो आप लोग सब कुछ कर लिया, आप लोग अगर अभी तक मन में चल रहा है कि आईडी का बैन होके आएगा ये तो नहीं बताया, तो देखो गाइस आपका एक दिन में लग सकता है और दो दिन में लग सकता है, या फिर आपका एक दिन दो दिन तक छोड़ो तो यार एक घंटे में आप लोग का हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन गाइस मैं आप लोग को एक बात बोलता हूँ, यहाँ पे जो है आप लोग को काम करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब गेरिना का तो यहाँ पे काम करना पड़ेगा, आप लोगों को तो पहले देखना पड़ेगा कि गेरिना जो है काम कर रहा है, तो इसके लिए आप लोग को यहाँ पे तो ऊपर में सबमिट वाला ऑप्शन दिखा दिया कि सबमिट हो चुका है, तो अभी गेरिना उसमें काम करेगा, तो काम करके देखेगा कि आपका जो मतलब रिक्वेस्ट आप लोग भेजे हो तो वो सही है क्या नहीं। आप लोग अगर कोई बड़ा हैक यूज करे हो और उसके बाद शायद ये वाला आप लोग अगर फॉर्म फिलअप करते हो मेरा वीडियो देख के तो आपका आईडी अनबैन नहीं होगा, मैं ये बात पहले से बता दे रहा हूँ। और इसके लिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि छोटा मोटा हैक वगैरह यूज करे हो फ्री वगैरह तो गाइस इसमें तो आप लोग का अनबैन हो जाएगा, तो इसके लिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, एक दिन भी लग सकता है दो दिन भी लग सकता है या फिर एक कलाक का भी आपको हो जाएगा ऐसा, तो आप लोग कोई भी टेंशन मत लेना, गेरिना ने ऑफिशियली ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि आप लोग को कितना दिन का टाइम देना पड़ेगा। तो गाइस जब अनबैन हो जाएगा तो आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका जो ईमेल आईडी है उस पर आप लोग को मैसेज आ जाएगा, या फिर आपका फेसबुक आईडी से लॉगिन किया था तो आप लोग को फेसबुक आईडी पर भी मैसेज आ जाएगा कि आपका आईडी अनबैन हो चुका है। और अगर आपका आईडी अनबैन नहीं होता है तो गाइस इसके लिए मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर से बताना, मैं इसके ऊपर दूसरा एक पार्ट ला दूंगा कि आप लोग को अनबैन करने के लिए दूसरा कुछ करना पड़ेगा, तो वो वाला जो ट्रिक है उससे तो आप लोग को जरूर हेल्पफुल मिलेगा। लेकिन गाइस उसके पहले आप लोग ये ट्रिक यूज करो, आप लोग अगर आईडी अनबैन नहीं होता है तो आप लोग मुझे कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि विक्रम भाई अभी तक मेरा आईडी अनबैन नहीं हुआ है, या फिर मैं भी अगर कर सकता हूं तो मैं भी ट्राई करूंगा आपका आईडी अनबैन करने की। तो गाइस आज की वीडियो बस इतना सही था, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, आप लोग कमेंट करके बताते नहीं हो कि वीडियो कैसा लगा है। देखो
एक वीडियो बनाने में मुझे बहुत सारा मेहनत लगता है और इस वाला वीडियो भी बनाने में तो मुझे बहुत मेहनत लगा है। अब लोग तो अभी देख रहे हो स्क्रीन पर कि अभी टाइम कितना है, अब लोग को यहाँ पे देखने के लिए तो मिलता ही है, मतलब 11:19 अभी हुआ है और ये रात का टाइम है, दिन का नहीं है, ठीक है। अब लोग ऊपर में देखो यार, ये रात का टाइम है, ये दिन का नहीं है, ठीक है। तो इतने रात को मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो यार जरूर से एक लाइक कर दो, क्योंकि यार इतने रात को तो कोई भी ऐसे ऑनलाइन नहीं रहता है, तो आप लोग भी सो जाते हो, लेकिन इसमें आप लोगों के लिए इतना रात को अभी बैठे बैठे वीडियो बना रहा हूँ। देखो अभी वीडियो सिर्फ मैं बना रहा हूँ, मतलब इसके बाद मैं इस पर एडिटिंग वगैरह करूँगा, तो मेरे को है ना बड़ा एक तो बच जाता है, एक देर भी कभी कभी बच जाता है, तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प मुझे करना पड़ेगा, वीडियो को जरूर से लाइक करना पड़ेगा। और अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक भी कर देना। तो अगर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, और आप लोगों को अगर सेकंड पार्ट लाना है तो आप लोग जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ कि विक्रम भाई सेकंड पार्ट जल्दी जल्दी लाओ, मुझे इससे हेल्पफुल नहीं हुआ है, तो मैं आप लोगों के लिए जरूर जल्दी जल्दी सेकंड वाला पार्ट इसका लेके आ जाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।